इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तरी दिल्ली के सिटी सदर पहाड़गंज जोन के अंतर्गत आने वाले शास्त्री नगर वार्ड में, और ये जो जगह है ये है WZ30। ये मकान जो देख रहे हैं ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है दिल्ली नगर निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला। मैं आपको जिस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के सपोर्ट के अंदर जो टेम्परेरी सपोर्ट लगाई गई है ये दिखाना चाहता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि इस बिल्डिंग को बनाने के दौरान उसमें तमाम अनियमितताओं को बरता जा रहा था। इस बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ था कि वो अलग बात है, लेकिन इसकी जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को जो निर्माण दौरान ही ये अचानक झुकने लगी और इस ये बिल्डिंग एक तरफ से झुकाव आ गया। अब इसको बनाने वाला जो बिल्डर है उसने आनन फानन के अंदर इस बिल्डिंग को बचने के लिए इस पर सपोर्ट्स लगा दी गई हैं। देख सकते हैं किस तरीके के टेम्परेरी सपोर्ट्स लगाए गए हैं, और ये पूरी देखिए मेन रोड पे ये बिल्डिंग है और तमाम सपोर्ट्स यहाँ पर लगी हुई हैं जो उजागर करती हैं कितने बड़े स्तर का भ्रष्टाचार यहाँ पर इस बिल्डिंग निर्माण के दौरान हुआ है। और इसमें बिल्डिंग बनाने वाले की लापरवाही तो है ही है कि कितना घटिया मटेरियल उसने लगाया होगा, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बहुत कम मौके पर ये सामने आती हैं, क्योंकि किस तरीके का मटेरियल बिल्डर लॉबी लगाती है यहाँ पर बनाने वाले मकानों के अंदर ये उसका एग्ज़ाम्पल है। अगर यहाँ पर मटेरियल्स अच्छा लगे तो इस तरह की घटनाएं ना आए, लेकिन और ना ही बिल्डिंग झुके। और हालांकि जो तमाम अनियमितताएँ उसके कारण इस बिल्डिंग को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, आसपास के जो मकान हैं या यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कि आखिर क्या हुआ, क्या वजहें रही हैं कि इस तरह की घटनाएं इस एरिया के अंदर हो रही हैं। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं ऑन कैमरा इस बात को बोलने के अंदर परहेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मजबूरियां होती हैं कि अड़ोस पड़ोस का मामला होता है और अड़ोस पड़ोस की शर्म भी होती है, तो लोग इस मामले में सीधे तौर पर कुछ कहने से बचते हैं और इससे परहेज करते हैं। तो लेकिन ये जो बिल्डिंग है आखिर कितना घटिया मटेरियल यहाँ के बिल्डर्स द्वारा लगाया जा रहा है, इस बिल्डिंग के अंदर निश्चित तौर पर घटिया बिल्डिंग मटेरियल्स का ही परिणाम था कि इस बिल्डिंग का ये हाल हो गया। और देख सकते हैं कौन सा बिल्डिंग बायलॉज कहता है कि किसी भी बिल्डिंग को इतना ऊंचे तक तान दिया जाए, वो भी बिना नक्शे के, नक्शा पास हुआ है या नहीं हुआ है, और कहाँ थे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के वो अधिकारी तो जिन पर दायित्व है कि क्षेत्र के अंदर होने वाले निर्माण की जाँच करें किस तरीके का मटेरियल लगाया जाता है, वो बिल्डिंग प्लान के अनुसार अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में जो पब्लिक जो और लोग होते हैं उनका हित भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, क्योंकि अगर कोई निर्माण हो रहा होता है तो आसपास के लोगों को उस तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके जान और माल को नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक बात पर और आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग थी 12 से 15 वर्षों पुरानी थी, यानी कि इसका जो ढांचा था पुराना ढांचा वो बीते 15 सालों से एक खंडर के रूप में खड़ा हुआ था, लेकिन जब इस बिल्डिंग को पुनर्निर्माण के लिए इस पर काम शुरू किया गया तो पुराने ढांचे को ध्वस्त नहीं किया गया, यानी कि उसका पुराना ढांचा था उसको जीरो नहीं किया गया और पुराने ढांचे के ऊपर ही नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। और ना केवल निर्माण कार्य शुरू किया गया, इस पुराने ढांचे पर ही 4 और 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, जिसके कारण हुआ ये कि ये बिल्डिंग नई इमारतों का लोड नहीं ले पाई और अंततः ये बिल्डिंग एक तरफ झुक गई। तो देखना ये है और कहने का तात्पर्य ये है जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डर की जो इनएफिशिएंसी है, जो उसके काम करने का तरीका है, उसकी खामियाँ साफ तौर पर जाहिर होती है कि एक बिल्डर जब अपना मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जान और माल को हथेली पर रखकर, लोगों की जिंदगियों को हथेली पर रखकर महज अपना मुनाफा कमाने के ऊपर ध्यान देता है तो इसी तरह के रिजल्ट्स सामने आते हैं।